सो गाइस आज हम आए हैं, ये डाइकन का नॉन इन्वर्टर एसी आप देख रहे हैं। पैकिंग है, पूरा न्यू है, अभी आया हुआ है, ये एक घंटा पहले आया था। ओके तो इसका बहुत बड़ा एक स्टोरी है, तो स्टोरी बताएंगे, मैं बाद में बताऊंगा। और जो कस्टमर है हमारे जो ये लिए हैं वो ये हैं सर, हमारे जो हमारे डाइकन एसी नॉन इन्वर्टर लिए हैं। इससे पहले ये लायड यूज कर रहे थे, वो भी इन्वर्टर एसी लायड लिए थे। एक 3 साल से ये जो है लायड इन्वर्टर एसी पे बहुत पैसा खर्च कर चुके हैं, लगभग 40,000 तक उसमें खर्च कर चुके हैं। और अभी जा करके जब मेरे पास आए हैं तो मैंने बोला कि उसको निकालिए और नॉन इन्वर्टर जो है कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। तो चलिए गाइस मैं आपको स्टोरी बताता हूं, उससे पहले मैं इसको अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राजा खान, आप देख रहे कूल स्टार एपी इन यूट्यूब। सो गाइस अब मैं चलता हूं, इनका स्टोरी बताता हूं और ध्यान से जरा सुनिएगा, इनका स्टोरी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो इन्होंने जब लॉयड एसी इन्वर्टर वाला लिया था तो तकरीबन 1 साल के बाद जो वो कूलिंग करना बंद कर दिया था। तो कूलिंग करना बंद कर दिया तो इन्होंने कस्टमर केयर को कॉल किया, कस्टमर केयर ने सर्विस मैन को भेजा। सर्विस मैन आने के बाद चेक किया, बोलता है सर इसमें जो है कूलिंग नहीं हो रहा है, इसमें गैस ख़त्म हो गया है। तो उसने क्या किया, गैस फिल किया, 2,500 रुपये लिया और चला गया। तो वो गैस कूलिंग कब तक करता रहा, तकरीबन 1 मंथ या फिर 15 डेज तक वो कूलिंग किया। ओके तो वो कूलिंग करते करते फिर वो 1 मंथ तक किसी तरह चला, चलने के बाद फिर से कूलिंग करना बंद हो गया। तो फिर इन्होंने कस्टमर केयर को कॉल किया, वो यूं भेज रहा हूँ, अभी भेज रहा हूँ, कल भेज रहा हूँ, ऐसे ऐसे बोल बोल कर कस्टमर केयर ने सर्विस मैन नहीं भेजा और नहीं आया कोई सर्विस मैन। तो ये इन्होंने मेरे पास आए, मेरे पास आकर के इन्होंने अपना प्रॉब्लम बताया। मैं बोला कि सर पहले इसको जो है खोल करके प्रेशर टेस्टिंग करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कहाँ से लीकेज है। विदाउट लीकेज टेस्टिंग किए हुए हम गैस तो डाल देंगे, बट क्या होगा कि गैस वो फिर भी चलेगा कुछ दिन तक या कुछ महीने तक, उसके बाद फिर ये ख़त्म हो जाएगा, आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो इन्होंने कहा अभी तो गर्मी चल रहा है, कम से कम 1 महीना तो चला था, इस गर्मी में भी 1 महीना पार हो जाए। तो राजा साहब एक काम करिए, गैस डाल दीजिए, ये लीजिए आप अपना पैसा। तो मैंने क्लियर बात बोल करके इनको गैस डाल के दे दिया था। ओके तो फिर से 1 महीना चला, 1 महीना चलने के बाद जो है वो फिर से काम करना बंद कर दिया। तो इन्होंने फिर मेरे को नहीं बोल करके किसी और लोकल टेक्नीशियन से बात करके उसको बुलाया। तो उसको बुलाने के बाद उन्होंने क्या किया कि इंडोर का कूलिंग कॉइल जो होता है, कंडेंसर जो होता है, वेपोरेटर, इंडोर यूनिट का वेपोरेटर कॉइल चेंज कर दिया। ओके चेंज करने के बाद वो भी कम से कम 2 महीना तक अच्छा काम किया। उसके बाद जो है इनका फिर से यूनिट कूलिंग करना बंद कर दिया। तो फिर इन्होंने परेशान आकर के फिर एक टेक्नीशियन को बुलाया, फिर दूसरा टेक्नीशियन को बुलाया। दूसरा टेक्नीशियन को बुलाने के बाद वो टेक्नीशियन आके अपने तरीके से चेक वगैरह करने के बाद क्या किया, टोटली इंडोर टू आउटडोर डिस्चार्जिंग एंड सेक्शन पाइप जो होता है कॉपर का, उसको चेंज कर दिया। उसको चेंज करने के बाद जो है ये भी कम से कम 15 दिन चला। ओके 15 दिन चलने के बाद इधर 8,000, उधर 12,000, उधर 10,000, इस तरह से करें 2,500, इस तरह से कर करके इनको जो है, तो लगभग जो है इनको इस तरह से सभी टेक्नीशियन ने चूना लगाया। मैंने पहले ही कहा था कि इस तरह से नहीं होता है, तो बात नहीं सुना। लास्ट में कस्टमर परेशान होके मेरे को बुलाया, मैंने बोला कि चेंज कर दीजिए ये यूनिट को और नॉन इन्वर्टर कोई सा भी एक यूनिट ले लीजिए, आपको माशाल्लाह हमेशा के लिए अच्छा ही रहेगा। तो फटाफट जा करके ये लिया है और मेरे को बुलाया, मैं जा करके इंस्टॉल किया। तो ये था गाइस इनका स्टोरी, अब चलिए वीडियो में आगे समझाता हूँ। 4 कोर का वायर रहता है, ये देखिए 4 कलर में रहता है, ग्रीन, येलो, ब्लू, रेड। ओके तो इंडोर में जो आप इस तरह से कनेक्शन देंगे, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए मैंने दिया है ना, 1 में रेड दिया है, 2 में जो येलो दिया है, 3 में जो है ब्लू दिया है, और फिर यहाँ पे जो अर्थ का बना हुआ है यहाँ पे जो येलो एंड ग्रीन रहेगा, ये देखिए इंक्लूड ग्रीन रहेगा इसमें, तो ये अर्थ होता है, ग्रीन कभी भी अर्थ होता है। तो इस तरह से जब आप इंडोर में दिए हैं तो सेम 1, 2, 3 अर्थ, आउटडोर को भी आपको सेम ही देना है, वहाँ पे भी ऐसे ही करना है, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन। ओके और अगर आप यहाँ पे इस तरह से दिए हैं और उस साइड में जाने के बाद आप जो चेंज कर देते हैं कलर को, तो कलर कम्युनिकेशन आपको रॉन्ग बताएगा, कुछ भी एक एरर कोड आ जाएगा। ओके गाइस तो पूरा वीडियो तो बना नहीं सकता, इसी तरह से आपको दिखा सकता हूँ। ये इस तरह से मैंने इंस्टॉल कर दिया है। अभी इन लोगों को क्या है ना, इतना ये लोग चोट खाए हुए, इतना चोट खाए हुए हैं कि तुम चालू करो बोल रहे हैं। तो ये भाई है, इन्हीं का रिश्तेदार में कोई है। ओके तो ये मैडम जी अभी ऑन करेंगी, मैडम जी ऑन चाहिए अंडे। इला कैसे? इला।
ओके सर, तो यहाँ पे मैडम जी ने रिमोट को दबाया, यहाँ पे इंडिकेशन आ गया, ये देखिए। ओके एंड वाटर पाइप चाहिए नहीं तो एक मिनट।